pair of charge plus q is fixed in a position. A smaller sphere of charge plus q is placed near the larger sphere. बड़ा अच्छा सवाल है. And release from rest, क्या बात है भाई. The small sphere will move away from the large sphere with. हाँ जी, क्या ऑप्शन होंगे. Decreasing velocity and decreasing acceleration. Decreasing velocity and increasing acceleration. Decreasing velocity and constant acceleration. हाँ मेरे भाई, आपको क्या लगता है. और एक है increasing velocity and decreasing acceleration. तो जी इसका करेक्ट आंसर है increasing velocity and decreasing acceleration. 10 नैनो फेरेड यानी 10^-9 फेरेड पैरेलल कैप प्लेट कैपेसिटर्स होल्ड अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 50 माइक्रो कूलम ऑन ईच प्लेट. चलो जी अच्छा सवाल है. प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.885 मिलीमीटर व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट. सो इसको भी ज़ाहिर है मैं बोर्ड पे करवा दूँगा बच्चों, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है वो वैल्यू का भी इस्तेमाल है परमिटिविटी का. ठीक है, ये देख लें. पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 2E फॉल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट. देखो इसकी एनर्जी का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखो 3 × 2 = 6 होता है. अब बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.6 से. सो 10^-19 तो रहेगी. अब एक ही ऑप्शन है जिसमें 10^-19 है और वो ए है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा. बता रहा हूँ बड़ी अच्छी तरकीब है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 10^-19 तो आना चाहिए. वैसे भी 3 × 2 = 6 है, 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करके देख लेना 9.6 ही होगा. टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय इरेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट. बहुत प्यारा बच्चों, और इसका आंसर हो जाएगा गॉसियन सरफेस. ज़्यादातर तो देखो मेरी मैजिकल ट्रिक से हो जाएंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. अब देखो 6 और 12 माइक्रोफेराइड है, टोटल 180 वोल्टेज है कैरिंग. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. देखो इंटर में कितने लंबे तुमने किया था यार. पहली बात तो ये है कि ऑप्शंस का सम 180 आना चाहिए. तो देखो सिर्फ ऑप्शन बी का सम 180 आ रहा है, 120 और 60. दूसरी बात 12 और 6 का रेशो क्या होता है, 1:2. तो वोल्टेज का भी रेशो 2 और 1 का होना चाहिए, वो भी इसी ऑप्शन का है. तो फटाक करके हमने तो कर लिया भाई. ठीक है, कैसे मैजिकल ट्रिक्स है बच्चों अपने. फिर कह रहे हैं 2 कैपेसिटर्स हैं आर इन सीरीज. ओके जी, कनेक्टेड अक्रॉस 360 वोल्ट डीसी सप्लाई. कैलकुलेट चार्जेस ऑन C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली. तो डेयर अगर आप गौर से एक बात देखो कि जब ये सीरीज में तो चार्जेस सेम होने चाहिए दोनों ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन तो धुरफट्टे मुँह हो जाएंगे जो सेम नहीं है, यानी कि CDE. अब खाली एक ए रह गया और एक बी रह गया. ठीक है, सो डियर इसके बाद थोड़ा सा काम होगा. 12 और 24 का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे जो 8 आएगा, और 360 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर ही आपका ऑप्शन ए वाला आ जाएगा. वैसे पेपर में अक्सर ये आया है इस तरह, सवाल के बी में इन्होंने सेम दे दिए, वरना बी में भी डिफरेंट होते हैं. यूजली सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जिसके दोनों ऑप्शन सेम होते हैं. मैं क्या कह रहा हूँ समझ लो, चार दोनों में सेम होना चाहिए ना, तो ऐसा यूजली एक ही ऑप्शन होता है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक.